और जश्न कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हो चुका है। ये जो तमाम मुद्दे आपने गुजरात में उठाए, आपने एक चेहरा भले ही आगे ना रखा हो, लेकिन इस जीत को लेकर और इस टक्कर को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस को कामयाबी मिली बीजेपी और मोदी को घेरने में? धन्यवाद प्रियंका जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके पूरे जेके न्यूज 24/7 को बधाई देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हमें मौका दिया आपने मेरा पक्ष रखने के लिए। प्रियंका जी, मुझे पूरा विश्वास था, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे शानदार जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जिस तरीके से 22 सालों से गुजरात की जनता को झूठे वादे, जुमलेबाजी और वादा खिलाफी के साथ, जो खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, वहाँ के जनमानस, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, आदिवासी हो, हमारा अल्पसंख्यक वर्ग हो, जिस तरीके से उसके साथ छला गया, उनको धोखा दिया गया, जो गुजरात का विकास का मॉडल पूरे देश में उसका ढिढोरा पीटा गया, मैं समझता हूँ वो सब खोखला था। मुझे जिस तरीके से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने गुजरात के जनमानस को अपने भावनाओं से जोड़ने का काम किया, हम समझते हैं कि उससे गुजरात की जनता मतलब जुड़ी है और कनेक्ट हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस गुजरात में शानदार जीत दर्ज करेगी और गुजरात के साथ ही साथ देवेंद्र आपके पास लौटेंगे। कुछ खामी है जिस वजह से हम आपको अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन रुख करेंगे बीजेपी नेता का, क्योंकि लगातार कांग्रेस और बीजेपी